भारती माता की, हंसवाहिनी की। Have you ever met someone? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हो आनंद का व्लॉग। तो गाइज, आज है विसर्जन वाला दिन और आज मूर्ति का विसर्जन हो जाएगा और आज हम लोग को छोड़कर माँ चली जाएगी और फिर अगले साल आएगी हम लोग के पास। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया प्लीज इस मूर्ति को विसर्जन मत कीजिए, पर हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, पूजा के बाद विसर्जन किया जाता है माता का। घर में 7 इंच से बड़ा मूर्ति नहीं रखा जाता है, 7 इंच से बड़े मूर्ति को मंदिर में रखा जाता है और मंदिर में पत्थर का मूर्ति का पूजा होता है। मिट्टी का मूर्ति खराब हो जाता है कुछ ही दिन में या कागज का, तो इसलिए हम मंदिर में भी नहीं रख सकते। इसलिए का कमेंट आ रहा था कि भैया आप इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दो। तो अभी कुछ ही देर में पंडित जी आने वाले हैं विसर्जन का विधि करवाने के लिए और उसके बाद हम लोग मूर्ति को ले जाएंगे विसर्जन के लिए नदी के पास। तो गाइस, अभी पंडित जी आ चुके हैं और विसर्जन का विधि चल रहा है और उधर खोंचा भरा जा रहा है। तो गाइस, विसर्जन का विधि हो चुका है और अब ट्रैक्टर आने वाला है, उसी पे हम लोग मूर्ति को लेकर जाने वाले हैं नदी के पास विसर्जन के लिए। रोशन के जो क्लब के मेंबर लोग हैं उन्हीं के साथ हम लोग का भी मूर्ति विसर्जन होगा, तो वो लोग क्लब से मूर्ति को लेकर चल दिए हैं और यहीं पे आएंगे वो लोग अपना ट्रैक्टर लेकर, और हम लोग का मूर्ति भी उन्हीं लोग के मूर्ति के साथ जाने वाला है। तो मूर्ति का विसर्जन होने जा रहा है। हल्का सा हल्का सा। तो गाइस, प्रसाद भी ला मुझे। A few moments later. तो गाइस, फाइनली डीजे आ चुका है, कुछ आपको दिख रहा होगा। सरस्वती माता के, सरस्वती माता के जय। I'm
अमृत लॉन्ग ड्राइव बारिश और स्पॉटिफाई की ड्राइविंग प्लेलिस्ट स्पॉटिफाई सुनते जा सर क्या बात है सर हम लोग का जो ट्रैक्टर है वो पीछे है और एक इधर से भी आ रहा है और मूर्ति को लेकर जाना है इधर इधर ये नदी चलिए चलते हैं नदी के पास। हम लोग आ चुके हैं आगे नदी के पास और ट्रैक्टर अभी पीछे है रास्ते में। यहाँ पे एक और मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है बच्चे लोगों के द्वारा। तो गाइस ये रहा नदी और ट्रैक्टर भी पीछे आ चुका है। ये रहा ट्रैक्टर। तो गाइस फाइनली हम लोग नदी के पास पहुँच चुके हैं। ये रहा मेरे पीछे नदी। ये रहा हम लोग का मूर्ति। सरस्वती माता के जय। सरस्वती माता के जय। सरस्वती माता के जय। बिना पुस्तक धारिणी की जय। हंस वाहिनी की जय। सरस्वती माता के जय। विद्यादायिनी के जय। बिना पुस्तक धारिणी की जय। हंस वाहिनी के जय। सरस्वती माता विद्यादाता गंगा जी दूर है जाना जरूर है। जाना जरूर है। विदाई कैसे करी सरस्वती माता के बिना पुस्तक धारिणी की हंस वाहिनी की सरस्वती माता गंगा जी दूर है। सरस्वती माता के बोलिए सरस्वती माता के सरस्वती माता के हंस वाहिनी की बिना धारणी के सरस्वती माता के सरस्वती माता की जय जय जय। एक और मूर्ति इधर आया इधर। गाइस विसर्जन करने से पहले लास्ट एक बार और माता का पूजा कर लेते हैं हम लोग। समाप्त। अब हम लोग मूर्ति का विसर्जन करने वाले हैं। सरस्वती माता की सरस्वती माता की सरस्वती माता के सरस्वती माता आराम से धरिए लोग। सरस्वती माता की
तो फाइनली सरस्वती जी का विसर्जन हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। चलिए चलते हैं घर पे। तो अभी यहाँ पे प्रसाद बांटा जा रहा है, लड्डू। घर जाने से पहले हम लोग लड्डू खाएंगे। लड्डू आज हम लोग प्रसाद खा लिए हैं और हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। बाकी लड़के लोग का घर उधर ही था तो वो लोग अपने अपने घर चले गए। और आप देख सकते हो हम लोग कितना गंदा हो चुके हैं। अब जा रहे हैं हम लोग नहा धोकर, और फिर शाम में कुछ पार्टी वगैरह होने वाला है, तो आगे का अपडेट हम अब बाद में देंगे। चलिए चलते हैं हम घर पे। तो गाइस अभी जाकर पहुंचे हम अपने घर, और अभी टाइम हो रहा है 1:30 यानी डेट बज रहा है, और अब हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो मेरे फीलिंग को। जिस हाथों से मैंने मूर्ति को बनाया था उसी हाथों से मुझे मूर्ति का विसर्जन करना पड़ा। वहाँ पे तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लिया था, पर घर जाकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, बस मैं रोए जा रहा था। सो आज का ब्लॉग अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके बाद शाम में हम लोग खिचड़ी का प्रसाद बनाने वाले हैं। जो खोइछा में अरवा चावल और हल्दी निकला था सरस्वती जी का, उसी से हम लोग शाम में प्रसाद बनाते हैं। पूजा में जितने लोग शामिल हुए थे वही सब लोग मिलकर हम लोग अभी प्रसाद बनाएंगे। इसके आगे का ब्लॉग हम नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। यह वीडियो कंटिन्यू रहने वाला है, पर इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। सो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय। You are the wind that whistles my name.